हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बात करने वाली हूँ विंजो के बारे में। सो विंजो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप गेम्स प्ले करके रियल कैश अर्न कर सकते हो। और ये रही मेरी प्रोफाइल, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं इस गेम को 2021 से खेल रही। मैं रेगुलर नहीं खेलती हूँ, टाइम टू टाइम खेलती हूँ। अभी तक मैंने 1474 टाइम्स गेम्स प्ले करे हैं और टोटल मैंने अर्न करा है 5763 रुपीस। यहाँ पे आपको 500 प्लस गेम्स देखने को मिलेंगे, आप जो भी खेलना चाहो आप खेल सकते हो। आप कितने का भी अमाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पे, आप वॉलेट में जाओगे तो आपको शो होगा। फिलहाल मेरे वॉलेट में 1 रुपए है। आगे यहाँ पे जो माई ऑफर लिखा है, यहाँ पे आपको जब आप न्यू साइन अप करते हो तो कुछ गेम्स के फ्री टिकट्स मिलते हैं, तो उसमें प्रॉफिट ये होता है कि आपको ऐड नहीं करना होता है अपने अकाउंट से पैसे। अगर आप उस फ्री टिकट से गेम विन कर जाते हो तो आप वैसे ही कैश अर्न कर लोगे कुछ, फिर उसके बाद उसी कैश से आप दूसरे गेम को प्ले कर सकते हो। जब आपके 30 रुपीज हो जाते हैं तो आप फिर उसी विड्रॉल कर सकते हो। सो यहाँ पे मेरे अकाउंट में अभी फिलहाल पैसे नहीं है, तो मैं करती हूँ ऐड। सो यहाँ पे मैंने 100 रुपीज ऐड करा है। साइन अप के टाइम में आपको 500 रुपीज का बोनस दिखता है, तो आपको वो 500 रुपए नहीं मिलते, वो बोनस पॉइंट होते हैं जिसका यूज पैसों में होता है। अगर आप 2 रुपए का गेम खेल रहे हो तो कुछ पैसे उसके माइनस होते हैं। हमने जो 100 रुपीज ऐड करा है वो हम वापस से विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, हमें उससे अब गेम प्ले करना ही पड़ेगा। हम जो अर्न करेंगे हम उसे विड्रॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी आपको गेम प्ले करके दिखाती हूँ कि कैसे गेम प्ले करना है और फिर आप विड्रॉल कैसे कर सकते हो, तो मैं आपको विड्रॉल करके भी दिखाती हूँ। सो यहाँ पे आपको जो भी खेलना है आप खेल सकते हो। मैं ये स्नेक वाला गेम खेल रही हूँ। अगर यहाँ पे आप 10 रुपीज लगा रहे हो, 10 रुपीज का प्ले करोगे तो आप 17 रुपीज विन करोगे। मैंने यहाँ पे फास्ट कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो गेम कुछ इस तरीके का है, आपको मूव्स दिए जाते हैं। जितने मूव्स हैं, अगर 12 मूव्स हैं तो 12 मूव्स में जिसके ज्यादा पॉइंट हुए बिना कटे पटे, जो भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट के साथ होगा वो विन करेगा। सो मैं यहाँ पे विन कर चुकी हूँ। जो फ्री टिकट मिलते हैं गेम्स के, उसमें ये लूडो के देते हैं और कॉल ब्रेक के देते हैं। तो लूडो वाला तो आप सब खेल सकते हो, कॉल ब्रेक वो खेल सकता है जिसको कार्ड्स खेलने की थोड़ी नॉलेज हो। तो अगर आप कार्ड्स खेलना जानते हो तो फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा। लूडो में भी यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मली आपको 12 मूव्स मिलते हैं और 2 रुपए का खेलोगे तो आपको 2 प्लेयर होंगे। यहाँ पे 10 रुपीज का खेलोगे तो 34 रुपीज आपको अमाउंट शो होगा, लेकिन यहाँ पे 2 विनर्स होते हैं, तो फर्स्ट वाले को 24 मिलता है और जो सेकंड आता है उसको 10 रुपीज मिलते हैं। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 12 आपको मूव्स जो मिले, उस मूव्स में जितने भी हाईएस्ट मतलब जिसके भी ज्यादा पॉइंट होंगे बिना कटे पटे, मतलब कटने वटने के बाद लास्ट मोमेंट में जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे वो विन कर जाता है। बहुत ही इजी तरीके से आप विन कर सकते हो, बस लक की बात है। लेकिन जब आपको लगे कि हाँ भाई हम हार रहे हैं तो आप मत खेलना प्लीज, ये तो अपनी समझदारी पे। एंटरटेनमेंट के लिए भी खेलते हैं कुछ लोग, पैसे लगा कर भी खेलते हैं कि भाई एंटरटेन भी हो रहे हैं अर्न भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप गेम प्ले कर सकते हो। यहाँ पे आपको गेम्स दिखाए हैं, उनके स्पीड को मैंने बढ़ा दिया है। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मैंने विन करा, लेकिन मैं फर्स्ट नहीं आई, मैं यहाँ पे सेकंड आई। तो जब मैं सेकंड आई तो मुझे मिलेंगे 10 रुपीज। और जब भी आप इस सेक्शन पे आ जाओ ना, तो आपको तुरंत से कैंसिल कर देना है। अगर आप प्ले अगेन करना चाहते हो तो प्ले अगेन पे टच करोगे, वरना आप कैंसिल कर दो, नहीं तो आप वापस से गेम में चले जाओगे। अगर आपको पता नहीं है तो आपके वापस से पैसे चले जाएंगे अगर आप नहीं खेलना चाहते हो तो, इसलिए आप उसको कैंसिल कर देना और कैंसिल के बाद क्विट कर देना। सो यहाँ पे आप आ जाते हैं कॉल ब्रेक पे। कॉल ब्रेक में मेरे सारे अनलॉक हो चुके हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे 500 रुपीज तक का बेट लगाकर खेला है। सो यहाँ पे आपके फिलहाल अभी अगर आप न्यू यूजर होंगे तो आपके लॉक होंगे, तो 2 और 5 रुपीज का अनलॉक होगा, उसके बाद सारा लॉक होगा। जब आप कुछ मैचेस जीत जाओगे उसके बाद वो अनलॉक होंगे। सो यहाँ पे क्या करना होता है ना, जो कार्ड्स के प्लेइंग है, जो कार्ड्स के गेम है, सो ये आपको पहले ही डिसाइड करके बताना होता है कि आप कितने हैंड जीत सकते हो, कितने हैंड विन कर सकते हो। तो मैंने जैसा कि कहा कि जो कार्ड्स प्ले करते हैं उनको आइडिया होगा। सो यहाँ पे ट्रायल भी फ्री गेम्स खिलाते हैं, अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट लगे या फिर आपको जिसका फ्री टिकट मिले आप उसका ना फ्री गेम पहले जरूर खेल कर ट्राई कर लेना, जिससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि वो गेम प्ले कैसे हो रहा है, कैसे विन कर सकते हैं। सो हम आ चुके हैं अपने वॉलेट में। यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि मेरे वॉलेट में
₹32 आ चुके हैं जहां से मैं विड्रॉल कर सकती हूँ। और यहाँ पे कम ₹3 विड्रॉल होते हैं, लेकिन उसके लिए पेटीएम होना चाहिए। सो मेरा यहाँ पे पेटीएम भी वेरीफाई है और यूपीआई भी। सो जो मेरा पेटीएम नंबर था वो फिलहाल अब वर्क नहीं कर रहा है। और यूपीआई से मुझे करने के लिए ₹30 होने चाहिए थे विनिंग अमाउंट में। सो यहाँ पे मैंने ₹32 विन किया है। जब भी आप विड्रॉल करोगे ना तो 5% आपके कमीशन वो काट लेंगे। मतलब कि अगर मैं ₹32 यहाँ डालूंगी तो मुझे 32 नहीं मिलेगा, 5% वहां पे माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे विड्रॉल नाउ पे करा, अमाउंट डाला अपना 32, क्योंकि जो ₹80 है वो तो मुझे गेम प्ले करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही मैं विड्रॉल कर सकती हूँ, नहीं तो नहीं कर सकती। अगर मैं विन करी तो नहीं किया तो वो तो गए। सो यहाँ पे अभी पेंडिंग दिखा रहा है, लेकिन 2 से 3 मिनट में अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। और कुछ लोगों का क्वेश्चन ये था कि बैंक अकाउंट से तो पैसे नहीं कटते, वो नहीं कटते। जब तक आप इस वॉलेट में पैसे नहीं डालोगे वो वहां से ऑटोमेटिकली नहीं कटेंगे। अगर आपको बैंक अकाउंट नहीं ऐड करना है, नॉर्मली आप पेटीएम ऐड कर दो, पेटीएम वॉलेट से ट्रांजेक्शन किया करो, तो वॉलेट में तो वैसे भी थोड़े बहुत पैसे होते हैं, तो वहां से तो कुछ जाना ही नहीं है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि जो मेरा अमाउंट था वो सक्सेसफुली विड्रॉल हो चुका है। सो ये था प्रूफ। सो इस तरीके से आप भी गेम प्ले कर सकते हो, और अपने रिस्क पे करना भाई, क्योंकि ये बहुत खराब लत होती है। कुछ लोगों को तो लत ही लग जाती है कि अगर वो गेम प्ले कर रहे तो उसे अब की जीत जाएंगे, उस चक्कर में सारे हार जाते हैं। इसलिए कुछ अमाउंट डालो। मैंने शुरू जब किया था फ्री टिकट से ही मैंने अच्छे खासे पैसे अर्न कर लिए थे, क्योंकि मैंने फ्री गेम्स पहले खेले थे, उसके बाद मैंने कैश वाला खेला, तो मुझे शुरू में नहीं डालना पड़ा था। बाकी नॉर्मली आप एंटरटेनमेंट के लिए खेल सकते हो, वरना थोड़े बहुत पैसे तो अर्न कर ही लोगे। लूडो तो खेलना आता ही है, बस थोड़ी बहुत लक की भी बात होती है। और हाँ, रेफरल में यहाँ लिखा है कि ₹100 मिलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ₹100 मिलते हैं, लेकिन वो बहुत सदियों बाद मिलते हैं। उसके लिए भी आपको लेवल क्रॉस करना होता है तब मिलते हैं। ऐसे अगर आप किसी को रेफर करोगे तो आपको ₹100 नहीं मिलते हैं, और उसके लिए भी वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद होता है। वो प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा है, इसीलिए वहां पे लिखा है कि 1 रेफरल 100 रुपीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा।